हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और गाइस, बस अभी सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया, तो सोचा कि चलो अभी से ही कर रही हूँ मैं। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो जस्ट अभी मैं अपना ब्लॉग जो है शुरू कर रही हूँ। तो सुबह का जो भी खाना पीना सारे काम थे वो मेरे हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी फ्री बैठी हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और हाँ जी, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो किस लिए, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैं किस लिए खुश हूँ, शायद नहीं भी आया होगा तो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो है नया फ़ोन आ गया है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या है ना, मेरा जो पुराना वाला फ़ोन था ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो मेरा जो चार्जिंग सॉकेट होता है ना, वो ख़राब हो चुका है उसका। और दूसरा जो है ना, मैं नेचुरल वीडियो बनाना चाहती हूँ, मतलब कि जैसे कि नेचुरल, कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं डाल करके। तो उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का दिखता था और जितनी मैं काली होनी उससे ज़्यादा काली मैं वीडियो में दिखती थी, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी थी। तो बस इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नए फ़ोन को लेकर के। और सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि नया फ़ोन सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही दिखाएंगे, ये भी आ गए हैं। तो दिखाओ भाई हमारी ऑडियंस को हमारा नया फ़ोन, कौन सा मंगवाया है आपने? वैसे मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता है ना। तो इसके ये हैं बर्ड्स, तो ये जो बर्ड्स हैं वो इसी के साथ में ही आए हैं। तो ये है मेरा फ़ोन, ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो चलो, मैंने जगह चेंज कर लिया, मैं इधर बैठ के दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। तो बस यहाँ पे देखो, ये है इसका बॉक्स, तो इसको ओपन करते हैं। आप लोगों के सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ इसको। तो वैसे तो जो है मैंने ये देख लिया है ओपन करके, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है तो फोन पहले ही ओपन करके देख लेते हैं कि वो चीज़ अंदर निकली भी है या नहीं निकली है, तो इसीलिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने फिर से एक और बार ओपन कर रही हूँ इसको। तो ये तो रहा फ़ोन, ये रहा इसका बिल, और इसके साथ में जो भी चीज़ें आती हैं, ये पिन आई है एक। और अब बात कर लेते हैं हमारे फ़ोन की, तो इसको मैं हटा दूँ पहले। ये देखो, इसका ये कुछ इस टाइप से लुक है। और ये है पीछे से, पीछे भी कैमरे के ऊपर पन्नी लगी है ये। निकाल दो इसको। इसको अभी नहीं निकाल रही अभी नया लगना चाहिए ना थोड़ा सा। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये इसको खुलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो ये ओपन तो हो गया है, लेकिन अभी इसकी आईडी वाईडी कुछ भी नहीं बनी है। तो मेरे हस्बैंड अभी इसको बूट करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। लो, कर दो उसको सेट। तब तक ये सेट करें, तब तक हम दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ में हमें ये गैलेक्सी बर्ड्स प्रो मिले हैं, और वो एकदम फ्री ऑफर चल रहा था उस टाइम पे, तभी हम लोगों ने लिए थे। कहाँ से ओपन होगा ये? तो ये बिल अपन को संभाल के रखना पड़ेगा, है ना इसका। तो यहाँ पे देखो, हमारे ये बर्ड्स भी हमें रिसीव हो गए हैं, ये सैमसंग के हैं, ये देखो, है ना अच्छे, ये 25 टाइप से हैं। तो ये बड़ी क्यूट सी लगी मुझे ना, और यहीं से ही चार्ज हो सकता है ये इसका चार्जर। डाटा क्यों आया? चार्जर नहीं आया इसका, नहीं। और ये मिली है इसके साथ में डाटा केबल। चलो इसको रख देते हैं। तो कैसा लगा मेरा आप लोगों को फोन, वो मुझे बताना।
जी हो गया बोट। क्या है इसके साथ? तो ये हमारा हो गया फोन सेट, इसमें सारी चीजें बना दी हैं इन्होंने, आईडी वगैरह। तो चलिए अब इसकी ब्लॉगिंग देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है, कैसे पिक्चर्स वगैरह आती हैं, तो वो दिखाती हूँ, ठीक है। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत आ रहा है अब तो, बहुत ज्यादा क्लियरिटी हर एक चीज की। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ये एकदम नेचुरल वाला फेस है मेरा। ये देखो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी ना, मतलब इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, बहुत ज़्यादा। और अब से जो है आप लोग मेरी ब्लॉगिंग इसी वाले फ़ोन से देखोगे, और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये देखो एकदम नेचुरल वाला आया। अब इसका एक फ़िल्टर लगाते हैं हम, ठीक है। तो फिल्टर में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस टाइप से इसमें फ़िल्टर लगेंगे और फिर फिल्टर से हमारा फेस कैसा लगेगा। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, इतना लाइट भी नहीं है आज तो हमारे घर पे, लाइट चली गई है जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही, तो मतलब छोटी सी ही लाइट जल रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका जो पिक्चर्स क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आ रही है। मेरे एक एक छोटे छोटे से दाग दिख रहे होंगे आप लोगों को, छोटे छोटे से ना, मतलब हर एक चीज़ कवर कर रही है ये, और जो एकदम रियल वाला जो चीज़ें हैं वो दिखा रही है, रियल कलर दिखा रही है, तो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। चलो अभी अपन देखते हैं फिल्टर लगा के, ठीक है। तो जी ये देख लीजिए, ये लग गया है फिल्टर, जो कि मैं हमेशा अपने वो वाले फ़ोन में लगाती थी, तो उससे मेरा फेस थोड़ा सा ठीक लगता था, लेकिन अभी इसमें मैंने फ़िल्टर लगाया है आई वेरी, तो उससे मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा। तो इसीलिए मुझे जो है ना नेचुरल जो कलर है ना इसके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं इसका, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं। अब थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं कैसा आता है ना। तो ये बाहर का है, बाहर आ गई हूँ मैं, बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो तो कैसा लगा हमारा नया फोन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिल थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ गई थी छत पे, और बस मैंने सोचा कि नीचे तो हमने देख लिया इसकी क्वालिटी वगैरह, लेकिन ऊपर छत पे चलते हैं, तो मतलब इतने उजाले में कैसा क्या पिक्चर वगैरह आ रही हैं, कैसी वीडियो आ रही है। ये विदाउट फिल्टर है, कुछ भी फिल्टर नहीं लगा, एकदम नेचुरल है ये, ठीक है। और बस मुझे कपड़े भी धोने थे, तो इसी वजह से मैं आ गई हूँ, और थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है तो इसीलिए। और एक और रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने फ़ोन ये वाला क्यों लिया है, ठीक है, बताऊँगी अभी। एक मिनट बस मैं अपने कपड़े खंगाल लूँ पहले। तो जी गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर से नीचे, क्योंकि मैं ऊपर भी देखने गई थी कि हमारा जो कैमरा है वो कैसा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, तो वो भी मेरे दोनों काम हो गए हैं। तो कपड़े वॉश करके मैं अंदर बरामदे में डाले आई हूँ, क्योंकि बाहर तो जगह ही नहीं है, और बारिश बार बार से आ रही जा रही है, तो फिर से वो गीले हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अंदर बरामदे में डाल के आई हूँ। जब थोड़ी बहुत धूप निकलेगी कल दोपहर में, सुबह जब भी, तो फिर मैं फिर से बाहर निकाल के उसको डाल दूँगी, तो वो सूख जाएंगे। और यहाँ पर हमारा ट्राइपॉड रखा हुआ है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने ये फ़ोन किस लिए लिया है, क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे इस फ़ोन की, और यही वाला फ़ोन क्यों चाहिए था मुझे। एप्पल भी ले सकती थी मैं, आईफोन भी ले सकती थी, लेकिन मुझे बस यही वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरे पास जो मोबाइल था ना पहले, तो उसकी वजह से जो है ना, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बारिश का मौसम है, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है माइंड में कि हमारा फ़ोन नहीं ख़राब हो जाना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं चला जाना चाहिए, या फिर कभी बच्चे ले लेते हैं फ़ोन तो बच्चे कहीं गिरा ना दें, कहीं पानी ना भर दें, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अभी जो है अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास है वाटरप्रूफ मोबाइल आ गया है, तो उसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बारिश में भी ले जा सकती हूँ, बारिश में भी वीडियो बना सकती
सकती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ और फुल एंजॉय कर सकती हूँ बारिश का भी और अपने ब्लॉग का भी, है ना। तो इसीलिए जो है मैंने ये वाला मोबाइल लेने के लिए सोचा, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मेरा मोबाइल भी ख़राब होता जा रहा था क्योंकि उसकी जो चार्जिंग पॉइंट है ना वो ख़राब हो रहा है। वो तो खैर चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कैमरा क्वालिटी ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी जो कैमरा क्वालिटी थी ना वो ब्लू कलर का बताता था, मतलब जैसा कलर आपका है नहीं उस कलर को और भी ज़्यादा डार्क बताता था वो, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। और अगर फ़िल्टर उसमें लगाते थे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता था। आप लोगों ने भी देखा है ना उस फ़ोन से मैं जब ब्लॉगिंग करती थी, तो जब मैं फ़िल्टर यूज़ करती थी उसमें तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट बताता था, और नेचुरल करती थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब काला दिखाता था। तो वो चीज़ हमको भी नहीं अच्छी लगती कि जब हम इतने काले भी नहीं हैं यार, गोरी तो मैं हूँ नहीं लेकिन इतनी काली भी नहीं हूँ कि जितना काला ये दिखा रहा था मेरा फ़ोन, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। और बस वो फ़ोन भी है मेरे पास में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये वाला फ़ोन ले लिया है, और अब भी मैं कहीं पे भी जाके जो है ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ, चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो इसीलिए। और बस प्राइस वगैरह तो सब आप लोग देख ही लेंगे कि मेरा जो मैंने मोबाइल लिया है वो कौन सा है, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। उसके साथ में मुझे बड्स भी मिले हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया। लेने को तो मैं आईफोन भी ले सकती थी, लेकिन मुझे यही वाला अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि होता नहीं है कि दिल में मतलब बचपना सा रहता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हमें लग रही है, हमने मतलब बहुत पसंद से कोई चीज़ खरीदी है तो हम सबको दिखाएं। जैसे कहीं ईद वगैरह त्यौहार वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं नए कपड़े पहनते हैं तो सबको दिखाने जाते हैं कि देखो हमने आज नए कपड़े पहने हैं, आज हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं। वो सारी चीज़ें ऐसे ही हमारे अंदर भी है कि कहीं ना कहीं बचपन जो है छुपा होता है, तो वो कहीं कभी ना कभी बाहर निकल आता है। और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें मतलब अभी भी हैं कि अगर कोई भी नई चीज़ आती है ना तो वह मैं सबको दिखाती हूँ, तो देखो मैंने ये चीज़ ली ऐसा करके। बाकी और कोई रीज़न नहीं है मोबाइल ख़रीदने का, अच्छा लगा, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फ़ोन दिलाया। और हज़ार बार शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह ताला का, हर एक चीज़ में शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, वीडियो का एंड ही कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में, बाय।